हेलो एवरीवन, आई विनय पांडे वेलकम यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक मैथ्स अड्डा। टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन द क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स। इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव प्रूव्ड ऑल द थ्योरम्स बेस्ड ऑन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। आर टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड्स में, किसी भी बोर्ड में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम बोर्ड का नहीं रहा है अभी तक जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ध्यान से देखिएगा। इसका मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशंस आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो वो लीनियर इक्वेशंस में कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या वो सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइनाइट है या वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस में भी दो तरीके की लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो दो तरीके की लीनियर इक्वेशंस क्या है हमारे पास, एक होती है होमोजीनियस, एक होती है नॉन होमोजीनियस। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्लास 10th में आपने किया हुआ है, जिसमें आपने बहुत सारी मेथड्स देखी थी, लाइक ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये बहुत सारी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारी मेथड से आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन उनको बोलते थे। लेकिन यहाँ आपको सॉल्यूशन तो अभी भी निकालना होगा, वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी होंगी, लेकिन आपको यूज़ करना होगा मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स मेथड। और मैट्रिक्स मेथड के लिए भी आपको एडजॉइंट पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स पता होने चाहिए, और आपको इन्वर्स निकालना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो एडजॉइंट, इन्वर्स वगैरह की सारी वीडियोस मैं प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक्स सारे करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर के हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है, वो क्या क्या होती हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, x माइनस y इक्वल्स टू 0, x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 3, x माइनस y प्लस 3z इक्वल्स टू 7। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू पेयर ऑफ इक्वेशंस, क्या डिफरेंस है? आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने पेयर लिखा हुआ है इसमें राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं दीज आर नॉट जीरो। अगर किसी भी इक्वेशन में थ्रू आउट डिग्री सेम रहती है, जैसे यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है, मतलब एक्स की पावर, वेरिएबल की पावर 1 1, तो पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर कितनी है 1, यहाँ भी 1 है, तो ये होमोजीनियस हो गया। कितने डिग्री का 1, फिलहाल लीनियर पढ़ रहे हैं तो बाकी डिग्री में हम जा नहीं रहे। होमोजीनियस जो है वो 2 डिग्री की भी हो सकती है, 3 डिग्री की भी हो सकती है, लेकिन आपको कंडीशन यही देखनी होती है कि वो कांस्टेंट टर्म को कंटेन ना करे। अब आते हैं इन इक्वेशंस में, इसमें देखिए 1 पावर 1 पावर 1 पावर, लेकिन यहाँ पे 0 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर, यहाँ पे 0 पावर, तो पावर जो है वो सेम नहीं आ रही है। तो इट मींस दीज इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस, और ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। एक आपको खास बात बताऊँ होमोजीनियस इक्वेशन की, कि होमोजीनियस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ रखेंगे तो आप दोनों इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होंगे। तो अब बात करते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है, लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो हमको कैसे निकालना है मैट्रिक्स मेथड से। आपको क्या करना है, मैं पूरा आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि सीक्वेंस आपको किस तरीके से लिखना है। जैसे हमको दो इक्वेशन दिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, x माइनस y इक्वल्स टू 2, आपसे कहा जाए कि सॉल्व दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको इन इक्वेशन से मैट्रिक्स बनानी है। देखें, आप नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का पेयर है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं,
टू थ्री वन माइनस वन एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वन कॉमा टू। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से वही बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बताया हुआ है। तो टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन, बन गई पहली इक्वेशन। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू, बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जितनी भी आपको इक्वेशन दी है उन इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो कोफिशियंट्स की जो मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कोफिशियंट मैट्रिक्स, और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सपोज कैपिटल ए से। ये वेरिएबल की मैट्रिक्स कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये कांस्टेंट की मैट्रिक्स है, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस आपको, जितनी भी पेयर ऑफ इक्वेशन दी है, दो तीन चार जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं, आपको क्या करना है, उसको ए एक्स इक्वल टू बी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ए क्या होगा, जो कोफिशियंट से मैट्रिक्स बनेगी वो, एक्स क्या होगा, जो वेरिएबल की कॉलम मैट्रिक्स बनेगी वो, और बी क्या हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड में आपके कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम बी करेंगे। ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों के लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं एक टेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस टेबल फॉर्म से आपको देखना है कि आपको कैसे इक्वेशंस को देख के पता लगाना है कि सॉल्व करके डिटर्मिनेंट से कि क्या उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक्स इक्वल टू बी में कन्वर्ट किया। एक्स इक्वल टू बी जैसे ही आपने किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि जो मैट्रिक्स आपको ए मिली है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट जैसे ही आप निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ये जीरो नहीं भी आ सकता है और डिटर्मिनेंट जीरो आ भी सकता है, दो ही केसेस पॉसिबल है कि या तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो नॉन सिंगुलर बोलते थे उसको हम। अब आपको क्या याद रखना है कि अगर आपने इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर डिटर्मिनेंट चेक करना है, और डिटर्मिनेंट अगर ए का नॉन जीरो आ गया तो इस केस में इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स जितने भी वेरिएबल हैं उनकी सिर्फ एक एक वैल्यू मिलेगी आपको, और एक एक वैल्यू अगर मिलेगी तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और वो वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैं आपको भी मेथड बता रहा हूँ, आगे के वीडियोस में कुछ क्वेश्चन कराने की भी कोशिश करूँगा मैं इस मेथड से। तो इस केस में एक्स की वैल्यू, जो एक्स आपके यहाँ एक्स वाई जेड है, उनको निकालने के लिए आपको ए का इन्वर्स निकालना, और ए का इन्वर्स कैसे निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो फिर क्या किया जाए, उस केस में आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। फिर आगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, फिर से यहां दो केसेस होंगे, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो आएगा या फिर नॉन जीरो आएगा। अगर ये नॉन जीरो आ गया इस केस में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मींस जैसे मैं फॉर एग्जांपल दो इक्वेशंस लिख रहा हूँ, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन को आप देखिए, अगर इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इस केस से इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है। यहाँ पे आपको ऐसे पता लगाना, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो उसका मतलब उसमें एक्स वाई जेड की जितने भी वेरिएबल है उनकी एक यूनिक वैल्यू आपको मिलनी है, सिर्फ एक वैल्यू। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो इस केस में नो सॉल्यूशन, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर इस केस में भी नो सॉल्यूशन होगा। अब यहां पे दो कंडीशंस आ जाती है कि या तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है कि एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यूज आपको मिलेंगी या फिर एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी यहां से। ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है, इससे आपको पूरा जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपको इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी। कैसे निकालनी है आपको, इस तरीके से निकालनी है।
अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना, अगर नॉन जीरो आ रहा है तो नो सॉल्यूशन, और अगर जीरो आ रहा है तो उस केस में या तो बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी या फिर आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। और इसमें एक टर्म यूज होता है ए एक्स इक्वल टू बी, आपको समझ में आ गया होगा, ए कोफिशियंट मैट्रिक्स, एक्स वेरिएबल की मैट्रिक्स और बी जो राइट साइड में कॉन्स्टेंट होंगे वो मैट्रिक्स। दो टर्म्स यूज होते हैं, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे यूज होंगे, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट टर्म्स। हालांकि आपने देखा होगा क्लास टेंथ में, ये नॉन कंसिस्टेंट को हम इनकंसिस्टेंट भी लिखते हैं। कंसिस्टेंट में क्या होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करे, और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो इस केस में अगर आपका डिटरमिनेंट जीरो आया, फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकाला तो नॉन जीरो आ गया, नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब आप कहोगे कि द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यहाँ पे भी कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये दोनों वर्ड्स भी आपको याद रखना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब अगर बात करें होमोजीनियस इक्वेशंस की, मैंने अभी होमोजीनियस इक्वेशंस आपको बताया और ये भी बताया कि होमोजीनियस इक्वेशंस में हमेशा एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, वो क्या होंगे, जीरो जीरो जीरो। जैसे दो वेरिएबल में इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स और वाई में, तो एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो हमेशा सेटिस्फाई करेगा होमोजीनियस केस में। तो क्या रिजल्ट मिला यहाँ से कि होमोजीनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है आपको जीरो जीरो, और एक सॉल्यूशन भी अगर आपको मिल गया तो वो कैसी सिस्टम हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट। तो ये कंसेप्ट को आप समझें, कोई डाउट्स अगर होते हैं तो आप कमेंट करें, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं रहेगा, और ये टास्क बहुत इजी हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर